तो व्यूअर्स, इसकी अब कंडीशन अभी आप देख लें और कल इसका हम रिव्यू करेंगे। ये वही है जो इस पर पूरा पेंट हुआ है, और ये चेक करें जी, इस पर सिरेमिक हुई है, और चेक करें यार। और ये थी जी पेंटर भाई की कल्टस, डिस्प्ले किया गया नार्डो ग्रे रंग, याद होगी आपको जो मैंने दिखा रहा था आपको। अरे पॉलिश, सो वेलकम गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ब्रार और आज हम जा रहे हैं वर्कशॉप। और मेरे सामने जो आप अभी आप अपने सामने जो गाड़ी देख रहे हैं, ये है टोयोटा क्रोला 1988 और वन ऑफ द फेमस क्रोला इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर थी ये गाड़ी। और इसकी एक फील ही अलग है अगर आप इसका इंटीरियर देखते हैं। मैंने अपनी हिस्ट्री में इतना बड़ा डैशबोर्ड किसी गाड़ी का मैंने नहीं देखा, ठीक है। मैंने रिव्यू भी बड़ी बार किया हुआ है। ये बाय द वे मेरी कज़न की कार है और ये 2006 से आई गेस उनके पास ही है। तो आज मेरी गाड़ी वो लेके गए हुए हैं, तो ये मेरे पास है, मज़दा मेरी गई भी है। अच्छा, मैं ये गाड़ी चला के ना बड़ा ही कोई एक्साइटेड हो रहा हूँ, बहुत मज़े की एक फील आ रही है। और बहुत कम क्रोला ऐसी हैं, क्योंकि क्रोला में भी एक मतलब कि चेंजेस आती रही हैं। ये अगर आप 87 क्रोला पे बैठते हैं, उसके बाद इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा फील आती है यार। उसका बोनट भी, सॉरी उसका डैशबोर्ड भी छोटा था, अंदर स्पेस भी नहीं थी, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी है, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आपको ना एक लग्जरी फील देती है। और ये वाकई सच्ची बात है, कोई इसमें मजाक वाली बात नहीं है। और फिर आपकी हाइट 6 फुट प्लस है, तो आप इसमें इजीली बैठ सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है। अच्छा, ये तो बात होगी, अब इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन की बात कर लें। इसके अंदर इंजन जो इंस्टॉल है आफ्टर मार्केट 1.6 इंस्टॉल हुआ है, और 1.6 बेसिकली आई गेस के 4EFE है, इस तरह 4AGE, मतलब इस तरह की 4 की लाइन में, 4A की लाइन में है 16cc। और उस टाइम ये बड़ा ज़बरदस्त इंजन था, ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किया हुआ था, जेन्युइन पता नहीं कितना आता था, लेकिन इतना याद है कि इसमें 16cc इंस्टॉल किया हुआ। काफ़ी पावर है, थ्रिल है, निकलती है पैरों से, बहुत अच्छी मतलब कि पिक है इसकी। हाँ, ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा मज़े की हैं और चलाने का भी मज़ा अलग है। अच्छा व्यूअर्स, ये लैंड क्रूजर नहीं है, ये इसकी तरह शक्ल नहीं है फ्रंट से क्या बहुत अच्छी लैंड क्रूजर बनाई है, नया मॉडल बहुत मज़े का बनाया है। लोगों ने फजूल में मजाक उड़ाना शुरू किया हुआ उस गाड़ी का, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है, ट्रस्ट मी। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि उसका V6 ट्विन टर्बो दे दी है, वो आपकी क्या परफॉर्मेंस होगी, आपकी सोच है, उड़ेगी गाड़ी वो। असल मेरा यही प्लान था कि रिम शिम रहने देता हूँ मज़दा पे, इस तरह की कोई गाड़ी देख लेता हूँ जो कि मुझे मिल जाए 4 में 5 में, लेकिन जो मैंने OLX खोला ये भी 6 7 8 की लगी हुई थी, तो जो प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती, तो बेहतर यही था, मैंने कहा मज़दा को तैयार करते हैं। मैं ऐसा बेवकूफ़ों वाला कदम नहीं उठा सकता कि मैं लोगों को रोकूं और ख़ुद जा कर महंगी गाड़ी ख़रीद लूं, ये इतनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती। बेशक अपने दौर की
बादशाह गाड़ी हैं, लेकिन इनकी जो इनवाइस थी ना, ये उससे भी ज़्यादा महंगी बिक रही है, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ये कितने की अप्लाइड फॉर होती थी उस टाइम, क्योंकि 1988 आई डोंट नो कि कितने की होगी, लेकिन ये है कि ये गाड़ी चलाने में बहुत मज़े की है। और ओके व्यूअर्स, अभी हम वर्कशॉप हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ डिलीवर हो चुकी हैं। 3 दिन बाद हम दोबारा आ रहे हैं और बहुत गैप इसलिए दिए थे कि आप लोग तंग ना हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मैसेज भी आए थे कि आप स्मार्ट सर्विसेज पे वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो अब हम आपको दिखाएंगे अभी जो स्मार्ट सर्विस का फ्लो है ना, वो दोबारा से आने वाला है। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं S350 मेरे पीछे से ये तैयार भी होना शुरू होगी, मुझे पता भी नहीं लगा। और गाड़ी की हैंडल ही नहीं कैसे खुलेगी। अच्छा अभी मैं आपको दिखाता हूँ रीबर्थ। और ये चेक करें जी, इस पर सिरेमिक हुई है। और चेक करें यार, सुभान अल्लाह, ये जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही लश कंडीशन होगी इसकी। और मैं भी मेरा कैमरा आपको सही दिखा रहा हूँ। और ये बॉनेट भी लटका हुआ किसी गाड़ी का, ये देखें जी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और नीट एंड क्लीन कंडीशन होगी इस गाड़ी की, ये जैसा कि आप देख सकते हैं। आप लोग भी अगर अपनी गाड़ी का पेंट प्रोटेक्ट करवाना चाहते हैं तो आप स्मार्ट सर्विसेज पाएँ और अपनी गाड़ी को पेंट प्रोटेक्ट करवाएं। पेंट प्रोटेक्शन मीन कि यार, मैं पहले इस चीज़ को ना हल्का लेता था कि यार ये पैसे जाए, लेकिन ये जो जब से मैंने ये अपनी आँखों से देखना शुरू किया ना, एक दिन गाड़ी आई, गाड़ी का पेंट देखा मैंने, और उसके बाद ना मेरे सामने सिरेमिक हुई। सिरेमिक होने के बाद अगले दिन मैंने जब देखी, मैंने कहा यार ये शाइनिंग रातों रात कैसे बढ़ गई। फिर मैंने इंटरनेट पर जाके सर्च किया, इंटरनेट पर जब सर्च किया, सिरेमिक का सीन ये है कि आपका जो पेंट होता है ना, अगर आप माइक्रोस्कोप से या किसी ऐसी मशीन से देखें ना, तो उसके अंदर बहुत डीप और बिल्कुल पतले पतले से सुराख होते हैं, जिसके कहते हैं जिस तरह इंसान के चेहरे के ऊपर भी होल्स आ जाते हैं ना, छोटे छोटे ब्लैक डॉट, उसी तरह पेंट के अंदर भी होते हैं। और जिससे वो जब भी आप गाड़ी पर पॉलिश वगैरह मारते हैं तो वो गाड़ी का पेंट शाइन आने के बजाय डल होना शुरू हो जाता है। सिरेमिक वही खड्डे फिल करके ऊपर एक कोटिंग कर देता है, और कोटिंग के बाद वो बिल्कुल एक शीशा बना देता है ऊपर, ग्लास, जैसे ग्लास कोटिंग इसका नाम इसलिए दिया हुआ है। और जब फिर आप माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे ना, तो आपको सरफेस पूरी की पूरी प्लेन दिखेगी, लेकिन अगर आप नॉर्मल पेंट देख रहे हैं उसमें आपको सरफेस सारी खुदरी हुई दिखेगी। ये हमें फील नहीं होता, हमारा हाथ फील नहीं कर पाता, लेकिन ये जो पेंट होते हैं ये आपके, अल्लाह भला करे, ये आपके खुदरे हुए ही होते हैं। तो ये आपको जो सिरेमिक है यहाँ पे आपको हेल्प करता है। और ये सीन है जी, और ये थी जी पेंटर भाई की कल्टस, डिस्प्ले किया गया नार्डो ग्रे रंग, याद होगी आपको जो मैंने दिखा रहा था आपको। रिपॉलिश वगैरह हुई भी अभी इस पर पेंट वो नहीं हुआ, पुटीन वगैरह नहीं चढ़ाई, और कलर बहुत डिफरेंट लग रहा है इस गाड़ी में, पहली बार देखा है इस तरह का कलर। ये देखें जी, आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपको रंग कैसा लगा। और ये डेंटर भाई की अपनी गाड़ी है, ओ पेंटर की सॉरी, ये देखें जी, वह ड्राइवर बहुत अच्छी गाड़ी। और ये एक नई आई है बून, और बून है कौन सी है नाम पता नहीं क्या क्या मोडा लिखा हुआ है, 500 कर रहा जी। ये गाड़ी को देख के हमने मज़्दा का कलर सेलेक्ट किया था, इसी की चेसिस पे जो कलर लिखा हुआ है वो ही हमने अपनी मज़्दा पे करवाया, सेम टू सेम हमारी मज़्दा की सारी शाइन चली गई है, लेकिन इस पर भी बरकरार है। और इसी तरह यहाँ पे गाड़ियाँ आती रहती हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं अम्मा को रूटीन था। तो व्यूअर्स, इसकी अब कंडीशन अभी आप देख लें, और कल इसका हम रिव्यू करेंगे। ये वही है जो इस पर पूरा पेंट हुआ है, और अभी रफ़ लगा रहे थे इसको, रफ़ के बाद पॉलिश होती है वो कंपाउंडिंग, और आगे का सामान सारा लगना है, साइडें सारी लगनी है, ये भी लगना है सारा,
तो इंशाल्लाह आपको मैं ये आपको कल की वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। ये देखें, ये सारी तैयार हुई है, बस ये एंड ही लगा हुआ इसका और ये फिर कंप्लीट हो जानी है। पेड़ काम बहुत अच्छा किया गया, कल मैं उसकी डिटेल्स आपको वीडियो दूंगा। ठीक हो गया, तो अभी हम चलते हैं वापस और हमारे साथ रहिएगा। ओके व्यूअर्स, अभी हमने वर्कशॉप की वीडियो कवर की और आप लोगों को पसंद आई होगी। उसमें ये है कि यार चलो साथ साथ आपको ये काम भी दिखाते रहते हैं और ये भी सीन है। गाड़ी और इसका मिक्सचर बनाने का सिर्फ रीज़न ही यही था कि यार दोनों का काम हो जाए, वर्कशॉप की जो भी कवरेज है साथ साथ वो भी दिखा दें और गाड़ी भी आपको ये वाली दिखा दें, क्योंकि ये फील्ड ऑफ व्यू वाला आपको विजन बहुत पसंद आया। मुझे खुद, मैं अपनी कल वाली वीडियो 3 बार देख चुका हूँ, 26 मिनट की वीडियो थी और 3 बार देख चुका हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और मैं भी चाहता हूँ कि यार इस तरह की वीडियोज़ और बनाऊँ और बनाएंगे। हमारे पास इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत सिटी है और हम उसके अंदर फिर के आपको नज़ारे दिखा सकते हैं, बड़ा कुछ दिखा सकते हैं। सुपरमार्केट हो गई, आपको F10 मार्केट हो गई, और अगर ग्रीनरी में जाना चाहें तो मनाल हो गया, दामने को, और ही बड़ी इस तरह की जगह हैं, पाकिस्तान मोनूमेंट हो गया, तो दिखाने को बड़ा कुछ है। कीप सपोर्टिंग और इसी तरह हम आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे। मे बी स्मार्ट सर्विसेज पे आके हम गाड़ी के अंदर जैसा ये गाड़ी की वीडियो बना रहे हैं, इस तरह हम आपको मर्सिडीज़ वगैरह की भी दिखा दें। मे बी अगर आप लोग प्रॉपर एक सपोर्ट करते हैं, ठीक है जी, आप लोग स्मार्ट सर्विसेज के सारा आप प्रोसीजर देखते हैं, तो उसके अंदर हम आपको ये ड्राइव भी दे दिया करेंगे। तो एक ड्राइव है, छोटा सा राउंड लगा के आपको मर्सिडीज़ का भी दिखा दिया, BMW का भी दिखा दिया, ऑडी का भी दिखा दिया, तो इस तरह छोटे छोटे राउंड आपको दिखाते रहेंगे। तो रिस्क उठा लेंगे आपके लिए, इतना ही है, नहीं तो मैं किसी की गाड़ी को हाथ नहीं लगाता। तो चलें ये भी कर लेंगे। विस्टल बजाने का भी मुझे बड़ा शौक है। चले मैं एक ना किसी गाने की बजाता हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना मैं कौन सा गाना था, कौन सा गाना बोले यार जो आप लोगों के लिए बिजी रहे। अच्छा आपको गाने की समझ ही नहीं लगी होनी, खैर छोड़ो दफा मारो। ये चौक है बड़ा गंदा, यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है और ओए देखा स्पीड ब्रेकर नजर ही नहीं आया, लेकिन टाइम से रोक लिया, अपन भी ड्राइवर बन गया बे।
बेसिकली सही है यार, ये चौक है ना, अगर स्पीड ब्रेकर रहा हो तो कोई भी यहाँ से स्पीड से निकाले गाड़ी। अभी देखे ना जैसा 70 आया था, इस्लामाबाद की रोड्स बड़ी मजे की हैं, रास्ते बड़े मजे के, ग्रीनरी आपको नज़र आती है। मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा शकरपड़ियाँ, अगर आप दूसरी सिटी से हैं तो आपको बहुत मज़े का एक रास्ता लगेगा। हॉन्टेड है, हॉन्टेड मतलब डरोना, और रात को तो वहाँ पे आने की आप सोचे भी ना, मोटरसाइकिल पे अगर हैं तो, और गाड़ी पे हैं तो फिर आप लड़के लड़के हों तो ज़्यादा ठीक है, आपके साथ फैमिली है, लेडीज़ है, तो आप बिल्कुल उस रास्ते से ना आए। मैं आपको वो भी रास्ता दिखाऊँगा और जल्दी दिखाऊँगा, अभी नहीं। मेरी बेगम आ जाए फिर मैं आपको लेके जाऊंगा। नहीं, रास्ते में जाते ही नहीं है, मेरा हॉर्न देने का मकसद भी यही है। मजे की ड्राइव है यार इस गाड़ी की, मेरी आदत कैसे बन गई, मैं वीडियो गाड़ी ड्राइविंग के दौरान बोल रहा हूँ। मेरी एक आदत बहुत अच्छी है जो काफ़ी लोगों को अजीब सी लगेगी, मैं ड्यूरिंग ड्राइविंग में गाने नहीं सुनता, मुझे इंजन की आवाज़ ना आए, इंजन की थ्रिल ना आए, मुझे फील ही नहीं आती, और जिस गाड़ी में आरपीएम नहीं होता उस गाड़ी का चलाने का मज़ा भी नहीं आता मुझे, पता नहीं है आदत कैसी पड़ी हुई है। लेकिन जब म्यूज़िक चल जाता ना मेरा सारा ध्यान ख़राब हो जाता है, मेरे ना टेंशन होने लग जाती है कि यार गाड़ी चल रही नहीं है, ये मतलब अजीब तो गरीब सा फील आता है। तो यही सी वीडियो यार, उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। मैं अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गया हूँ, अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।